बायो केमिस्ट्री में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर लिपिड्स। नाउ व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स क्या हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स बेसिकली फैट्स या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होते हैं, उसके एस्टर फॉर्मेशन को हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स बेसिकली फैट्स ही होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। अब इसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं लिपिड्स के, कि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज लिपिड्स आर मोर इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, एग्जाम्पल एंड हाइड्रस फैट। ये एक्सलेंट इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का क्या मतलब है? हीट को हमारी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, तो हमें ठंड से बचाते हैं। वे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दे ऑल्सो प्रोवाइड पैडिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरनल मसल्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाहर फैट की लेयर होती है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो डिराइव्ड फैट्स होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, एंड जो हमारी सेल वॉल होती है, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड्स। सेल वॉल जो लिपिड से बनी होती है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। इसके अलावा जो हमारे हम रोज खाते हैं लिपिड्स, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, घी वगैरह के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं लिपिड्स के। अब ये जो लिपिड्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। एक आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास आता है वैक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सेस आती हैं, फैट और ऑयल्स आते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें एग्जाम्पल है लेसिथिन्स की, ग्लाइकोलिपिड्स, गैंग्लियोलिपिड्स एंड अदर कंपाउंड्स। ये सारे हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन है डिराइव्ड लिपिड्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फैट और ऑयल्स। फैट और ऑयल्स बेसिकली क्या है? ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के। दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ एस्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इनको हम फैट्स या ऑयल्स कहते हैं। जो फैट्स और ऑयल्स हैं, आपने देखा होगा, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। जैसे कोकोनट ऑयल वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो घी वगैरह है वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स। पर जो ऑयल्स हैं, जैसे आपने देखा मस्टर्ड ऑयल, वो लिक्विड है, ठीक है। तो ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में आते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? कि ये इंसुलेटर का काम करते हैं, हमारी बॉडी से हीट के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी को हीटेड मूवमेंट में रखते हैं। इसके अलावा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फैट्स और ऑयल्स क्या है? इनसॉल्युबल है पानी। अगर आप तेल को पानी में डालोगे तो उसमें डिजॉल्व नहीं होता, दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है, तो ये इनसॉल्युबल है पानी में। पर अगर आप उसी तेल को आप कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डालोगे, जैसे कि एल्कोहल में डिजॉल्व कर दोगे, मिथेनॉल में, बेंजीन में, तो वो उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है। दे आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैटी एसिड्स। दे आर टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। इनका टेस्ट नहीं होता, कोई इनकी स्मेल नहीं होती, पर कुछ तेल होते हैं जिनकी स्मेल होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है, और दे स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर। जब आप पानी में इसको मिक्स करते हो, तो पूरे ऊपर इसकी अलग सी लेयर बन जाती है, तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ये डिफरेंट प्रोसेसेस अंडरगो करते हैं, जैसे मैंने लिखे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। क्या होती है हाइड्रोलिसिस? जहाँ पर भी वर्ड आ जाए हाइड्रोलिसिस का, मतलब उसमें वाटर आ रहा है। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे या बॉइल करेंगे इन फैट्स को, तो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वर्ड, हाइड्रो वर्ड जहाँ पर भी आ रहे हैं, इसका मतलब होता है वाटर। इसमें हम वाटर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं या बॉइल करते हैं, तो हमारे पास ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होती है? कि फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो डिफरेंट
मॉइस्चर का, या तो हवा में जो मॉइस्चर होता है या हवा का रिएक्शन हो जाता है, पानी का रिएक्शन हो जाता है। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है या इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी नेचुरली अकरिंग प्रॉपर्टी होती है जिसमें इसकी जो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और वाटर। नेक्स्ट है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन ने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इससे बने हैं फैटी एसिड्स के, किसके साथ मिक्स करके बने हैं, ग्लिसरॉल के साथ, फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल लिपिड्स में हमने पहले पढ़ा फैट्स और ऑयल्स, हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है वैक्सेस। डिफरेंट टाइप्स की वैक्सेस अवेलेबल होती हैं, दे आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। वैक्सेस भी फैटी एसिड्स का एस्टर होते हैं, दे आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, बट इसके साथ होते हैं विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ इनको मिक्स किया जाता है वैक्सेस में, तो ये हमारे पास वैक्सेस बनते हैं। इसमें ग्लिसरॉल के साथ मिक्स करते हैं तो ऑयल बन जाता है, फैटी एसिड्स को अल्कोहल के साथ मिक्स करो तो हमारे पास वैक्सेस बन जाती है। हमारे पास मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सेस अवेलेबल हैं जो कि यूज होती है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बेसिकली। जैसे हमारे पास वैक्सेस अवेलेबल हैं, जो कॉमन वैक्सेस हमारी बॉडी में अवेलेबल, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो फाउंड इन ब्लड, दैट इज एन एस्टर ऑफ वैक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट वैक्सेस आती है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं कार्नोबा वैक्स और बीज वैक्स। कार्नोबा वैक्स हमें बेसिकली एक ट्री होता है उससे मिलती है, इट इज इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक ट्री होता है जिसमें से हम ये कार्नोबा वैक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली, फिर ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है फॉर पॉलिशिंग। पॉलिश बनाने के लिए कार्नोबा वैक्स यूज करते हैं। फिर इसके अलावा आती है बीज वैक्स। बीज वैक्स हम यूज करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे वैसलीन में भी यूज करते हैं हम बीज वैक्स, ठीक है, वो बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास है वूल फैट। वूल फैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैक्स। वूल फैट इज यूज्ड इन द ऑइंटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स जो हम यूज करते हैं उसमें वूल फैट होती है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ वैक्सेस दैट आर अवेलेबल एंड आर यूज्ड, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करती है इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन सरफेस ऑफ हेयर एंड फेदर्स, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कैटेगरी पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल के, ठीक है। इसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है कि जब आपको चोट लग जाती है तो खून निकलता है, फिर खून अपने आप रुक जाता है ना, और वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ब्लड, तो क्या होता है उसकी क्लॉट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन हो जाती है ब्लड, तो ये उस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है, वो हमारे नर्व्स जो होती हैं उसके ऊपर शीट होती है, उसको माइलिन शीट बोलते हैं, तो ये उसमें भी प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। एंड दे ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये इसमें फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती है सबसे पहले लेसिथिन्स। लेसिथिन्स क्या होते हैं, फॉस्फोटाइलकोलीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये अकरिंग, दे आर कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स, दे आर वेरी कॉमन फैटी एसिड्स, दे आर फाउंड इन एग योल। सबसे ज़्यादा लेसिथिन्स किसमें होते हैं, एग योल में। एग्जाम्पल इन एग योल, एग योल मतलब येलो पार्ट ऑफ द एग में लेसिथिन्स होते हैं। लेसिथिन्स का फंक्शन क्या है कि दे आर द लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को लोअर करने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
दे आर ऑल्सो यूजफुल टू कीप द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल का जो मेन फंक्शन होता है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म. फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं एंड विद कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स दे फॉर्म लिपोप्रोटीन्स ऑफ द सेल. कॉम्बिनेशन में होते हैं प्रोटीन के साथ और लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं. इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है सिफेलिन्स. सिफेलिन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये भी टाइप ऑफ लेसिथिन्स होते हैं बट इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इथेना अमीन का होता है. इसका स्ट्रक्चर they are also